सिद्धार्थ शुक्ला ने फिनाले के पहले बदला अपना प्लान, शहनाज हुई नाराज। हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल की दोस्ती ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया है। तभी तो सोशल मीडिया पर सिटनास नाम ट्रेंड करने लगा था। घर में जो भी मेहमान गया उसने सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती की काफी तारीफ की। तो वही कुछ दिन पहले ही शहनाज ने सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार भी किया था। सिद्धार्थ ने इस मामले में चुप्पी ही साधी रखी थी। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि सिद्धार्थ शहनाज से काफी नाराज चल रहे हैं। सिद्धार्थ ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि वो शहनाज से क्यों नाराज हैं। शहनाज ने कई बार उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि वो बाहर जाकर सारी बातें साफ करेंगे। इसी बीच घर में नॉमिनेशन हुए। इसमें सभी कंटेस्टेंट को किसी एक घर वालों को सेव करना था और अब इसमें सबसे पहले सिद्धार्थ जाते हैं और वो आरती को सेव करते हैं। इस बात पर शहनाज भड़क जाती है। वो सिद्धार्थ से कहती है कि आई हेट यू। वेल, शो का एक नया प्रोमो भी आया है और इसमें शहनाज को रोता देख आरती उनसे बात करने जाती है। आरती कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, और इसके बाद गुस्से में आकर शहनाज कहती है कि फिर तो क्यों आती है। वेल, बात इतनी बढ़ जाती है और आरती कहती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैं तुझे समझाने के लिए आई। शहनाज कहती है कि तुझे अब लड़ने का नया मुद्दा मिल गया है। दोनों के बीच काफी विवाद होता है और वो इतना बढ़ जाता है कि शहनाज गुस्से में आकर आरती को गाली दे देती हैं। इसके बाद आरती का भी पारा चढ़ जाता है और इसी बीच माहिरा शहनाज को चुप रहने के लिए कहती हैं। वो शहनाज को आरती से दूर करने की कोशिश भी करती हैं। तो भाई सिद्धार्थ शुक्ला चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहते हैं। बिग बॉस का फिनाले होने में बस 20 ही दिन बाकी है। इससे पहले सिद्धार्थ ने अपना पूरा गेम पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। वो अब अकेले खेल रहे हैं। तो वही शहनाज सिद्धार्थ के इस धोखे से काफी ज्यादा टूट गई हैं। इस बारे में रश्मि देसाई ने आसिमा पारस छाबड़ा से कहती हैं कि सिद्धार्थ शहनाज के खेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में क्या है आपकी राय, क्या आपको भी यही लगता है, ये हमें जरूर बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।